हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। राइट्स इश्यू आने वाला है, इसको हम समझेंगे, रशियन क्रूड को समझेंगे और बिजनेस में क्या लेटेस्ट हो रहा है उसको हम जानने वाले हैं। दोस्तों अब देखिए, राइट्स को लेकर इंडियन ऑयल जो बोर्ड है उनकी जुलाई 7 को यहां पर मीटिंग होने वाली है। अब राइट्स को अगर हमको सिंपल में समझना है तो इंडियन ऑयल एक तरीके से जो पैसे हैं वो रेज कर रही है, मतलब एक नए बिजनेस के लिए उनको पैसा चाहिए और पैसा वो जुटा रही है। और यहां पर जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको पहला राइट रहेगा इन्वेस्ट करने का। तो राइट्स के रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो सब बाद में आएंगी दोस्तों। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि उनका जो सबसे बड़े जो प्रोमोटर है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, 51.5% उनका यहां पर स्टेक है। मतलब ये जो राइट्स इश्यू आएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसका मतलब है कि पैसा इन्फ्यूज कर सकती है। अब यहां पर एक और चीज आ जाती है कि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा हुआ है, गवर्नमेंट तो अपनी जो भी कंपनियां हैं वहां पर से वो ओएफएस कर रही है, ऑफर फॉर स्टेल। कोल इंडिया का प्राइस बढ़ गया, चलो 2-3% स्टेक बेच दो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, चलो थोड़ा 3-3.5% यहां स्टेक बेच दो। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, गवर्नमेंट यहां पर पैसे इस बिजनेस में यहां पर इन्वेस्ट करने वाली है दोस्तों, जो भी हो राइट्स के जरिए, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा यहां स्टेक है। तो क्यों करने वाली है, उसका कारण है दोस्तों भविष्य में जो टेक्नोलॉजी जो आने वाली है वो है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जहां पर सोलार के ऊपर, विंड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है। अब भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत बहुत हद तक डिपेंडेंट है क्रूड के ऊपर, जो भी तेल है वो बाहर से आता है। लेकिन गवर्नमेंट का फोकस है और ये जो ऑयल और रिफाइनिंग कंपनीज हैं उनका फोकस यहां पर है कि एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो पैसा हो, और यहां पर गवर्नमेंट इसीलिए एक तरीके से राइट्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकती है। और गवर्नमेंट्स का तो चलिए 50-51% हिस्सा है, जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं वो चाहे तो वो भी राइट्स के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब राइट्स पर आप देखिए, भारत पेट्रोलियम 18,000 करोड़ के आसपास का उनका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। 2-1.5 साल पहले हम लोग सुन रहे थे कि बीपीसीएल को गवर्नमेंट जो है डाइवेस्ट करने वाली है, अपना जो स्टेक है वो बेचने वाली है। लेकिन अब राइट्स के जरिए क्या मैसेज जा रहा है कि इनफैक्ट बीपीसीएल पर भी गवर्नमेंट जो है पैसा यहां पर इन्फ्यूज करने वाली है। तो अब जो ऐसा तो कहीं पर कुछ ऑफिशियल तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं है, लेकिन अब एक ऐसा जरूर माना जा रहा है कि जो डाइवेस्टमेंट वाली जो चीज है उससे अब बीपीसीएल बिल्कुल अलग ही रहने वाला है। या एक और चीज ध्यान में रखिए, बिल्कुल लेटेस्ट में जो बजट आया था वहां पर भी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लगभग 30,000 करोड़ का उन्होंने बजट एलोकेशन किया था, जहां पर ग्रीन एनर्जी पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात कही थी। तो यही राइट्स के जरिए, चाहे वो इंडियन ऑयल हो या फिर भारत पेट्रोलियम हो, वहां पर गवर्नमेंट पैसा इन्फ्यूज कर रही है। लेकिन देखिए, ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी भविष्य की चीज है, इसके रिजल्ट आते आते 5-10 साल लग जाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, 2023 जुलाई में क्या हो रहा है, तो यहां इंडियन ऑयल ऑयल और मार्केटिंग की कंपनी है। अभी भी उनका जो मेन बिजनेस है रिफाइनिंग का बिजनेस है, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरीज उनके पास में है। इनफैक्ट रिफाइनरी के बिजनेस को वो ग्रोथ करना चाहती है, जैसे जो पानीपत है, फिर गुजरात है, फिर बरौनी है, वहां पर रिफाइनरी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अगले 1.5-2 साल के अंदर सबका कमीशन और ज्यादा यहां पर होने वाला है। तो अभी जो बात हमने कही ये है फ्यूचर की बात, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अभी प्रेजेंट की बात है। और प्रेजेंट में जो है इंडियन ऑयल को अगर मुझे एनालाइज करना है तो उनके ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस को लेकर करना है। और यहां पर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रहा है, और वो क्या है, रशिया की वजह से। अब देखिए, रशिया पर तो बहुत सारे सैंक्शंस लग गए हैं, बाहर के बहुत सारे देश हैं उन्होंने कह दिया कि भाई रशिया से हम लोग कुछ नहीं खरीदेंगे। लेकिन रशिया के पास एक ऐसी चीज है जो भारत के बहुत सारी जो तकलीफों हैं उनका एक सॉल्यूशन है, और वो है क्रूड तेल। अब देखिए, पेट्रोल डीजल हमको चाहिए तो क्रूड से ही आता है, आपको पेंट्स बनाने हैं क्रूड उसके लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। अब क्रूड आप देखिए, अगर भारत समझ लीजिए 100 बैरल क्रूड मंगवाता था कब, पिछले साल अप्रैल में, तो रशिया से 5 बैरल के आसपास आता था, मतलब 5%। अभी आप देखेंगे मई महीना आते आते ये लगभग 42% हो गया है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि रशिया पर तो सैंक्शंस लग गए हैं लेकिन भारत जो है क्रूड मंगवा रहा है, कहां से, रशिया से मंगवा रहा है। और रशियन क्रूड जो है भारत को एक बड़े डिस्काउंट में मिल रहा है। और ये कौन मंगवा रहा है, इंडियन ऑयल, फिर रिलायंस, और फिर जो दूसरी जो ऑयल कंपनीज हैं वो लोग मंगवा रहे हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, सबसे पहला तो मैं अगर देश की बात करूं तो भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि भारत 80% से ज्यादा क्रूड को आयात करता है, मतलब बाहर से मंगवाता है। इनफैक्ट हम जो अपने स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल का जो यूज करते हैं पेट्रोल के लिए या डीजल के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं वो क्रूड जो है बाहर से आया होता है। इसलिए आप देख सकते हैं गवर्नमेंट वो इथेनॉल ब्लेंडिंग पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो इन सब चीजों से क्या होता है, भारत के जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब भारत निर्यात भी ज्यादा चीजें, जैसे सॉफ्टवेयर या फिर फार्मा को तो भारत निर्यात करती है, लेकिन क्रूड जितना आयात होता है वो निर्यात से थोड़ा ज्यादा हो जाता है।
अब यहां पर एक और चिंता है कि ओपेक ने प्रोडक्शन कट कर दिया है। प्रोडक्शन कट से क्या होगा कि क्रूड के प्राइसेस भी कभी कभी लगता है कि और ज्यादा चले गए तो, और हमने देखा था पिछले साल 100 120 डॉलर के ऊपर चला गया था पर बैरल जो प्राइस था। तो रशियन क्रूड अभी सस्ते में मिल रहा है और ये एक स्ट्रेटेजिक अभी तक एक पॉजिटिव है भारत के लिए, और इंडियन ऑयल को भी अगर सस्ता में मिल रहा है तो फिर कंपनी के लिए भी यहां पर अच्छा है। अब बिजनेस को समझते हैं। जब पिछले साल जब रशिया यूक्रेन की जब लड़ाई हुई थी तो क्वार्टर वन में इंडियन ऑयल ने लॉस किया था 2000 करोड़ के आसपास का। ये तो इनफैक्ट कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 10000 करोड़ का लॉस किया था, बीपीसीएल ने भी बड़ा लॉस किया हुआ था। तो उन्होंने जब लॉस किया क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए थे, लेकिन हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर तो उतना ज्यादा प्राइस बढ़े नहीं थे, बढ़े थे लेकिन बाद में आपने देखा था प्राइस फ्रीज है। अभी भी आप देखेंगे प्राइस फ्रीज ही है, लगभग 6-8 महीनों से बहुत ज्यादा प्राइस यहां पर कोई चेंज नहीं आया हुआ है। अब क्रूड के प्राइसेस नीचे आ गए हैं, $120 $110 जो था वो अब नीचे आ गया है, $70 के आसपास $75 के आसपास अभी प्राइस हो गया है। तब उससे क्या हुआ है, वही लॉस एक बड़े प्रॉफिट में आ गया, कब, क्वार्टर फोर होते होते। और अभी तो देखिए क्वार्टर वन के जब रिजल्ट्स अभी तो आए नहीं है, जब आएंगे एक्सपेक्टेड है कि जुलाई एंड या अगस्त में जब भी आएंगे, उस समय में क्योंकि क्रूड के प्राइसेस कम है तो एक्सपेक्टेड है कि इंडियन ऑयल का बिजनेस एक स्ट्रांग बिजनेस यहां कर सके। और इंडियन ऑयल ही नहीं, भारत पेट्रोलियम और HPCL से भी उम्मीद रहेगी कि वो एक बड़े प्रॉफिट में यहां पर आए। तो ओवरऑल उन्होंने ज्यादा यहां पर प्रॉफिट किया है इंडियन ऑयल ने, और जो डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन था नहीं, इनफैक्ट यही वीडियो समझ लीजिए मैं अक्टूबर के पहले सप्ताह में बना रहा होता तो मेरा वही सोचने का होता कि जिस हिसाब से क्रूड के प्राइस हैं कंपनी प्रॉफिट तो भूल जाइए, डिविडेंड सब कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन क्रूड के प्राइस नीचे आए तो प्रॉफिट भी हुआ और डिविडेंड भी आया ₹3 का। अब ये जो डिविडेंड की जो डिटेल्स हैं अभी तक आई नहीं है, जैसे ही आ जाएंगी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब इंडियन ऑयल यहां पर दो काम होता है, रिफाइनिंग का काम होता है, वहां से उनको रिफाइनिंग मार्जिन मिलते हैं, और जो दूसरा जो उनका बिजनेस है वो है मार्केटिंग का, ऑयल मार्केटिंग। जो इंडियन ऑयल के जो पेट्रोल पंप होते हैं जहां से आप डीजल या पेट्रोल भरवाते हैं, जब उनकी बात करेंगे तो मार्केटिंग मार्जिन में पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन इंडियन ऑयल का ज्यादा से ज्यादा बिजनेस रिफाइनिंग से आता है। और रिफाइनिंग में उन्होंने अच्छा प्रॉफिट क्वार्टर वन में किया था, लेकिन अब रिफाइनिंग में प्रॉफिट यहां पर कम हो रहा है, जो कि इनफैक्ट बहुत खराब भी नहीं है क्योंकि पेट्रोल के जो मार्केटिंग के प्राइस हैं ऑयल के वो ज्यादा अभी बढ़ना शुरू यहां पर हो गया है। तो ओवरऑल आप नेट नेट इंपैक्ट देखेंगे IOC भारत पेट्रोलियम HPCL पर तो ये पॉजिटिव है कि अगर रिफाइनिंग मार्जिन कम भी हो रहे हैं लेकिन जो पंप से जो उनको प्रॉफिट हो रहा है वो यहां पर ज्यादा यहां पर होना शुरू हो गया है। बट अंत में कुछ चीजों को नोट करना जरूरी है, वो ये कि अगर क्रूड के प्राइस बढ़ जाते हैं, देखिए ग्लोबल है, बहुत सारे अननोन्स हैं, कुछ अननोन हमको अभी भी नहीं पता है, क्रूड के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो ये बिजनेसेस के लिए नेगेटिव हो सकता है। बट यस, रिफाइनिंग मार्जिन हो सकता है बढ़ जाए और मार्केटिंग मार्जिन फिर से नेगेटिव आ जाए, तब कैसे वो बैलेंस रहेगा वो ज्यादा समझना जरूरी रहेगा। बट अभी जैसे चल रहा है कि क्रूड के प्राइस में भी उनको, ऑयल मार्केटिंग में भी उनको थोड़ा पैसा मिल जा रहा है, और रिफाइनिंग भले ही नीचे आया हो लेकिन थोड़ा बहुत वहां पर भी वो कमा ले रहे हैं, वो ज्यादा एक स्वीट स्पॉट जैसा आप मान सकते हैं। दूसरी चीज, एक और रिस्क हो सकता है कि अभी प्राइस फ्रीज है, अभी कंपनियां प्रॉफिट कर रही हैं लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हम लोग का देश बहुत बड़ा है और कल ऐसा भी हुआ कि उनको मार्केटिंग के जो भी मार्जिन से कम करने पड़े, मतलब पेट्रोल या डीजल का प्राइस कम करना पड़ा, तो उनके प्रॉफिट्स पर भी इंपैक्ट आ सकता है। तो ये सब कुछ चीजें रहेंगी जो बिजनेस में देखना है, और इनफैक्ट IOCL के बिजनेस में ये सब चीजें हमेशा देखनी है क्योंकि ये एक साइक्लिकल सेक्टर है ऑयल एंड गैस का। और साइक्लिकल सेक्टर में जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हर 15-15, 20-20 दिन में नए नए डेटा आते हैं, चेंज होती रहती है चीजें। अभी फिलहाल आप कहेंगे, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करूं तो एक अच्छे प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है बिजनेस में। अगर मैं लॉन्ग टर्म 5-10 साल की बात करूं तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा पुश है, IOC भारत पेट्रोलियम HPCL की तरफ से, HPCL इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ओन करती है ही, अपने आप को, आज तो आप ऑयल पर डिपेंड कर रहे हो, रिफाइनरीज हैं, ऑयल है, लेकिन 10-15 साल में आप अपने आप को चेंज करिए ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ। वो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल राइट्स के द्वारा मैसेज यहां पर चला गया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बिजनेस को समझने में और आसानी हुई होगी। लास्ट में जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात कि मेरी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को लेकर, फंडामेंटल्स पर हमारा फोकस रहेगा, 10 क्लासेस होंगी और क्लासेस 25 जुलाई से शुरू होगी। मैंने इन क्लासेस की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहां पर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में हम समझेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे एनालाइज करेंगे उसके बारे में सीखेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या जानना है उसको समझेंगे, हर सेक्टर, जैसे अभी इंडियन ऑयल ऑयल एंड गैस सेक्टर का है तो हर सेक्टर को कैसे अलग अलग तरीके से एनालाइज किया जाए, कैसे वैल्यू किया जाए, इन सबको जानेंगे। और इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो रेड फ्लैग्स हैं उसको भी जानना। तो मुझे उम्मीद है आपको इन लाइव क्लासेस से भी वैल्यू जरूर मिलेगी। ये फिनग्रेड में लाइव क्लासेस होने वाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन लाइव क्लासेस की जो डेट्स हैं, लिंक्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।